नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए गुरुवार को कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अगला राष्ट्रपति चुने जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि इस बार भी सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से अलग अलग उम्मीदवार उतारे जाएंगे। हालांकि मौजूदा माहौल में बीजेपी का पलड़ा राष्ट्रपति चुनाव में भारी माना जा रहा है। अगर बीजेपी की ओर से बात की जाए तो राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, राज्यपाल तिमिसिमाई सूरनराजन, जगदीश मुखी, अनुसुजाई उइक, आरिफ मोहम्मद खान और झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम में चर्चा चल रही है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की संभावना मजबूत बताई जा रही है। वे पहली बार 1983 में आंध्र प्रदेश विधानसभा में विधायक रह चुके थे। उसके बाद 1998 में पार्टी ने उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा का सदस्य बनाया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और फिर नरेंद्र मोदी सरकार दोनों में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। ऐसे में उन्हें प्रमोट करते हुए राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। बीजेपी की ओर से दूसरे मजबूत प्रत्याशी केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान हो सकते हैं। वे विभिन्न मुद्दे पर मोदी सरकार की नीतियों के मुखर समर्थन करते रहे हैं। वे 1972 से अब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस के टिकट पर कानपुर और बहराइच से लोकसभा सांसद बन चुके हैं। 1986 में शाह बानो पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने के राजीव गांधी के फैसले के विरोध में उन्होंने 2004 में बीजेपी ज्वाइन की और वर्ष 2019 में उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया। देश में चल रहे मौजूदा माहौल और बीजेपी की राजनीति के लिहाजे से आरिफ मोहम्मद खान फिट बैठते हैं। ऐसे में उनका नाम भी अटकले लगा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीक से हटकर चलने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि वे ऐसा नाम सामने ले आए जैसा उन्होंने 2017 में बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर किया था। अगर विपक्ष की बात करें तो उधर भी कई नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में हवा में तैर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार का नाम चर्चे में चल रहा है। वहीं एनसीपी की ओर से शरद परिवार का नाम सामने आ रहा है। अगर इन नामों पर कोई सहमत नहीं बनती तो फिर टीएमसी भी अपना कैंडिडेट मैदान में उतार सकती है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सभी पार्टियां इस मुद्दे पर अपने पत्ते खोल देंगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पैंकर न्यूज़।